बस क्या है यार, एकदम मेट्रो ट्रेन की तरह। क्या है ना यार, डिटेलिंग क्या है। वाओ, ये नाइट का शॉट तो है। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज, और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं पेशावर सिटी के डॉक्यूमेंट्री पर। एंड ये है डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से, ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। वैसे एक फन फैक्ट, आकाश का फेवरेट सिटी है, तो वो काफी एक्साइटेड है इस वीडियो के लिए। ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ पाकिस्तान। ब्यूटीफुल ना, बहुत ही। क्या है यार, क्या इंट्रिकेट डिजाइन्स था उसमें। महलों जैसा, महली महली है। एक क्रिकेट, मुझे लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद आकाश को पेशावर से और भी प्यार हो जाएगा। वो तो है। हाँ, ये इन लोग का जो बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, BRTS ऐसा कुछ बोल दो। बहुत ही ट्रेडिशनल सिटी है यार। ट्रेडिशनल सिटी है, लेकिन उसमें भी वो मेट्रो सिस्टम है, बस मेट्रो सिस्टम। क्लॉक टावर। सरजमीन पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां थे कभी पारथी, हिंद पारथी और काशान हुक्मरा। क्या वियर्ड सा कॉम्बिनेशन देखे ना, क्या एकदम ओल्ड ट्रेडिशनल ऐसा महलों जैसा है, पुराना। और लेकिन उधर बैकग्राउंड में दिख रहा है रोड्स का जो नेटवर्क है वो कितना मॉडर्न है। तो ये एक ओल्ड वर्सेस न्यू, ऐसा दोनों एक साथ क्लैश हो रहा है ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी न्यू से बेटर ओल्ड ही लग रहा है ऐसा देखने जाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कैसे एक ओल्ड सिटी में भी मॉडर्न खुलता है बाप। एशिया के कदीम तरीन शहर का, आइए करते हैं सफर जरा पेशावर का। ये स्टोन का है, लेकिन रोड नेटवर्क्स भी इंप्रेसिव है। आई नो कि मुसद्दका तारीख में इस शहर का नाम था कभी पोर्शपुरा। दूसरी सदी ईस्वी में वस्ती एशिया का तोचारी कबीला कुछ अरसे के लिए यहाँ का हुक्मरान रहा। आकाश को इग्नोर करो, उसका ऑलरेडी फेवरेट सिटी हो तो तारीफ करता रहेगा। आज पेशावर पूरे सूबे के हकूमती उमूर का शहंशाह है। तारीखी अहमियत के साथ साथ आज ये शहर तरक्की का भी एक जहां है। बस क्या है यार, एकदम मेट्रो ट्रेन की तरह। और उनका अलग से ये है ना, डेडिकेटेड कॉरिडोर है पूरा बस का, वहां पे वही चलता है। तारीख के औराक को जरा पलटे तो यहाँ कभी हुआ करते थे फलों और फूलों के बागात। तभी तो आज भी फूलों के शहर से मशहूर लिखी जाती है इसकी हर बात। इस शहर को जिला की हैसियत से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में इसका छठा और सूबे में इसका नंबर पहला आता है। गरम पानी था ना। पेशावर का जो कपड़े चप्पल वो भी सब सही है ना। चप्पलों में तो फिर तो काम बन गया। इतना पुराना डायवर कितना सही लग रहा है। ओल्ड स्कूल वाइब्स आ रहा है। 1000 साल पुरानी तारीख का आईनादार है यहाँ का किस्सा खानी बाजार। 1000 साल पुराना। इसी बाजार की सब्ज चाय पिए बिना नहीं रहा जाता। इसी चाय को मकामी जबान में है पिशावरी कहवा कहा जाता। कहवा। ₹1905 में उठाया गया बरतानवी हकूमत की जानिब से जो आसन कदम, वो था यहां पर तामीर करवाया जाने वाला पेशावर म्यूजियम। इस म्यूजियम को विक्टोरियल हॉल भी कहा जाता है।
जिसमें 14,000 के करीब कदीमी चीजों का नजारा किया जाता है। ये म्यूजियम का भी जो डिजाइन है वो पेशावर को कितना सूट कर रहा है। वो तो है, वही तो, क्योंकि इतना पुराना टाइप का सिटी है और सब कुछ वैसे ही है ना। सब कुछ हेरिटेज सिटी, चीख चीख के चला रहा है सब। सब कुछ खूबसूरती में जिसने खासी पाई है शोहरत, वो है यहाँ की महाबत खान मस्जिद। इसकी तारीख को पढ़ा इसलिए जाता गौर से है, क्योंकि इसकी तामीर को माना जाता मुगलों के दौर से है। यहां है तारीख का एक से बढ़कर एक शाहकार, अजब हुस्नो जलाल रखता है इस शहर का कला बाला हिसार। म्यूजिक सुन रहा वो, जहां कदीमी फन की भरमार दिखाई देती है, यहां के सेठी हाउस में सही लगता है यार। पुराने आर्ट की हर झलक दिखाई देती है। बनाने वाले ने कितना क्या है ना यार, डिटेलिंग क्या है, हर छोटी से छोटी चीज पर डिजाइन्स दिख रहा मुझे। खुशियों और उमंगों से भरा ये शहर है। दरियाए काबुल पे होती यहाँ किश्ती में सैर है। इतना डेकोरेटेड क्यों है ये बोट? बहुत ही, मैंने आज तक ऐसा बोट देखा नहीं। यहाँ तालीम का खासा बुलंद मयार है। यहाँ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की तो भरमार है। रब के नेक बंदे यहां भी हुए आशकार, जिसका सबूत है यहां रहमान बाबा का मजार। जहां कभी तारीख मिलती बुद्ध मत और कशानों की है, आज वहीं पे ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। यहां के मकीनों की अपनायत का कोई हिसाब नहीं। आकाश का दिल लाल रेडी आ गया। यहां की पिशावरी चप्पल का तो जवाब नहीं। यहां जमरूद रोड पर वाके इंडस्ट्री जो 600 फैक्ट्रियों के साथ ला रही है मुल्की मैशियत में बेहतरी। इस शहर से भी मुंसलिक है सारा जहान, दुनिया के हर कोने तक जहाजों को ले जाता है यहां का बैनल अकवामी एयरपोर्ट पाचा खान। यहां के लोग भरते हैं हॉकी, स्क्वॉश, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसे खेलों का दम। क्रिकेट तो बोलने की जरूरत नहीं, इंडिया पाकिस्तान में हर जगह पर क्रिकेट तो रहता ही है। यहां पिशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अरबाब न्याज स्टेडियम और कयूम स्टेडियम। अच्छी बात है, काफी फैसिलिटीज है। बहुत ही पुराना सिटी होने के बावजूद भी काफी फिल्मी दुनिया की बहुत सी मशहूर शख्सियत का ये घर है। दिलीप कुमार, ओहो दिलीप कुमार खानदान, हाँ इनका तो, और शाहरुख खान जैसे फनकारों का यही आबाई शहर है।
यहाँ के खाने तो वाकई लाजवाब हैं। नमक मंडी के खाने टिक्का कबाब और जबान पर राज करते यहाँ के चपली कबाब। क्या है यार, बहुत एक्साइटिंग है यार, सीरियसली। अब इतना कुछ जानने के बाद बनता है ना सफर, बनता है तो चलिए आ जाइए पिशावर। अगेन प्रॉब्लम यही है कि वीजा नहीं मिलता यार हम लोग। वाओ, ये नाइट का शॉट तो है। पिशावर फॉरएवर। रात को भी काफी ब्यूटीफुल लाइटिंग किया हुआ। अच्छा लगता है ना रात को भी। वो तो है यार, रात में भी ये डिजाइन काफी अच्छी लग रही है ना, पूरा बॉर्डर किया डिटेल लग रहा है सर अंधेरे में। लेकिन क्या है यार, बिल्कुल भी हेरिटेज सिटी है ना, तो क्या बोलना चाहेगा इस वीडियो के बारे में? इस वीडियो के बारे में कहना चाहूँगा और एक्साइटेड हो गया जाने के लिए, और एक्साइटेड हो गया जाने के लिए। सीरियसली कहूँ तो एक्साइटमेंट तो है यार आने की, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा जैसे राज ने कहा। लेकिन ठीक है, वीज़ा मिलेगा तब की बात तब। लेकिन ये सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पेशावर, क्योंकि यहाँ पे सब पुराने टाइप का है और मुझे पुराने टाइप की जगह काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे कि इसमें जो वो महलों के अंदर के जो शॉट्स थे वो काफ़ी मतलब और काफ़ी डिटेल वाला है ये सिटी, काफ़ी डिटेल वाला है सच कहूँ तो। जैसे यहाँ की ये मार्केट्स वगैरह देखा है, मतलब वो भी कितना हजार साल पुराना मार्केट है। हाँ, हजार साल पुराना। और चप्पल तो आकाश का फेवरेट है, जब भी लेदर के सैंडल्स हो, लेदर के शूज हो, कुछ भी, मतलब मुझे बहुत पसंद है। मुझे एक चीज पता है, अगर पाकिस्तान गए और कोई रीजन नहीं तो भी ये पेशावर एक चीज के लिए तो जाएगा, चप्पल के शॉपिंग के लिए तो जाऊंगा। क्योंकि बहुत से मुझे ट्रेडिशनल कपड़े पहनना अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल चप्पल शूज अच्छे लगते हैं, तो सीरियसली यार डेफिनेटली मैं नहीं आना चाहूंगा तो भी ये मेरे खींच के लेके जाएगा, वो पक्का है। मैं तो जाना चाहूंगा, वैसे तो कोई ये नहीं है, मेरे टॉप थ्री सिटीज में नहीं रहा है कभी पेशावर, क्योंकि मेरा फेवरेट आई थिंक इस्लामाबाद और लाहौर मेरा फेवरेट रहा है। कराची से भी थोड़ा स्पेशल कनेक्शन है, क्योंकि वो ऐसा फील होता है कि बहुत अपना अपना सा फील होता है, जैसे मुंबई हम लोग कराची तो हमेशा रहेगा, क्योंकि कराची रहेगा, फिर सेकेंड रहेगा लाहौर तो रहेगा, फिर इस्लामाबाद रहेगा और फोर्थ पिशावर तो जाना ही है कुछ भी हो जाए तो। वही बात ही डिफिकल्ट बना देता है ये डिसीशन को कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए कहाँ कहाँ नहीं। अभी तक मिला तो नहीं वीज़ा, लेकिन अगर मिल गया तो हमें डिसीशन लेना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जाना है। तो मैक्सिमम हम लोग 4 प्लेसेस जा सकते हैं, मे बी 5 होता है। तो अभी तक और भी डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो ये डिसीशन और डिफिकल्ट होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप लोग कॉमेंट्स में बताओ कि इस डिसीशन को और मुश्किल बनाने के लिए कौन से सिटी के डॉक्यूमेंट्री पर रिएक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वीक एक और डॉक्यूमेंट्री रिएक्शन आएगा, तो तब तक के लिए वेरी इंप्रेस विद पेशावर। एंड अगर आपको लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सॉरी मैं काट रहा हूँ बात, नहीं बोल बोल। मुझे ये नहीं पता था कि दिलीप कुमार भी पेशावर से है, मैंने शायद से एक बार गूगल सर्च किया था बीच में, अभी दिलीप कुमार कपूर फैमिली का पता था ना, मुझे राज कपूर का फैमिली का पता था क्योंकि वो लोग का वहाँ पे कुछ तो हवेली वगैरह है, क्योंकि मैंने कोई तो यूट्यूब वीडियो रिकमेंड हुआ था मुझे, तो मैं ऐसे ही देख रहा था तब मुझे पता चला था। लेकिन मैं दिलीप कुमार के देख के बाद चेक किया था तो मुझे तब देखा था, तब पेशावर दिखा था लेकिन इतना याद नहीं। लेकिन शाहरुख खान भी वहाँ से, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। हाँ, तो बहुत कुछ है पेशावर में, वो था। एंड ओवरऑल डिजाइन्स ही इनफ इंप्रेस करते हैं। ये ओल्ड दिल्ली ऐसा ही है क्या? थोड़ा बहुत दिल्ली को मैं कंपेयर करूंगा, ओल्ड दिल्ली लाहौर का याद ज्यादा दिलाता है मुझे, क्योंकि जैसा करीबी है ना, स्ट्रीट सब एकदम उसकी तरह है, बट पेशावर का अलग ही चार्म है ऐसा मुझे लगता है। बट या अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। बाय।